तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ह्यूमन नीड साइकोलॉजी, हमें इसको अंडरस्टैंड क्यों करना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जी आपकी बहुत बहुत इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एस इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्रिएट अ लास्टिंग चेंज इन योर लाइफ एंड अदर्स पीपल लाइव्स एंड टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू। यदि हमने अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अपनी किसी लाइफ को नेक्स्ट लेवल के लेके जाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू। तो मोर एवर इफ़ यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस समबडी एल्स, यदि आपने किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करना है, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि आप किसी से प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसे लव करते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसकी गिफ्ट जो आप दे रहे हैं, उसका बर्थडे पार्टी है, कोई भी उसको गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है, उनका म्यूज़िक कौन सा फेवरेट है, उनको शॉपिंग में क्या अच्छा लगता है, उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपको पता होगा उनको वो चीज़ अच्छी लगती है, तो जब आप उनको दोगे तो वो कितना अच्छा उनको फील होगा और आपको कितनी खुशी होगी। इसी तरह की यदि हमने किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करना है, we have to understand कि उसके ऊपर already कौन सी चीज़ influence कर रही है, we have to understand कि कौन सी needs उसको चाहिए, कौन सी चीज़ें उनको चाहिए जिसकी वजह से हम उसके ऊपर influence कर सकते हैं। ये बहुत ही powerful, यदि आपको ये करना आ गया आप अपनी team को बहुत easy से motivate कर सकते हैं। Once you beginning explore to another person's model of the world, सबसे पहले हमें जो mind है उनके mind model of the world मॉडल ऑफ द वर्ल्ड अंडरस्टैंड करना है। वैसे जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम कहते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, लाइक डिसलाइक, तो हम वो ही तो कर रहे होते हैं, हम उनके क्या कर रहे हैं, हम उनके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड ही तो हम उनकी रिसर्च कर रहे होते हैं, कि उनकी फाइनली रिसर्च कर रहे होते हैं क्या क्या उसके दिमाग में है। तो वही इसमें होता है कि आपको बहुत ईजी सिंपल टेक्निक में बता रही हूँ, इसे आपको बहुत ईजी हो, अपने लव्ड वन को भी खुश रख सकते हैं, अपने स्टाफ को भी खुश रख सकते हैं। तो पहले हमें उनको पता होना चाहिए कि उनका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड क्या है, वो क्या सोचते हैं। यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग द मेक, उनके आप उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो क्यों एक्शन लेते हैं, वो क्यों ऐसा बोलते हैं, वो क्या क्या उनकी हॉबीज़ है, वो क्यों अपनी हॉबी को पसंद करते हैं, वो सब चीज़ें आप इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर सकते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है कि वो एक तरह क्यों एक्शंस लेते हैं। इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यू मस्ट नीड अंडरस्टैंड ह्यूमन नीड साइकोलॉजी, इसी की वजह से आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। इफ़ यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस समवन, यू हैव टू नो व्हाट ऑलरेडी इन्फ्लुएंस देम। सॉरी मैं लाइन आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि यू वो ही आ गया, यदि आपने किसी को इन्फ्लुएंस करना तो आपको पता होना चाहिए कि उसको ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम आप सिंपल से एग्जांपल दे लो कि आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको म्यूज़िक कौन सा पसंद है, क्योंकि हम उनके फेवरेट बनाना चाहते हैं। तो कितना अच्छा हो जब उनके फेवरेट म्यूज़िक प्ले करते हैं, तो एक बहुत अच्छा हो जाता है कि हाँ वो मेरे लिए केयर कर रहे हैं। तो इसलिए यदि हम बिज़नेस में भी किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी उनके गोल क्या है, वो लाइफ को कहाँ लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट दे डू, व्हाई दे डू। तो हमें बिजनेस में जो हमारे पास बिजनेस में हमारे साथ एसोसिएट है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाई डू दे डू व्हाट दे डू। तो इससे क्या पता हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, हम उनके ऊपर इजी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड ह्यूमन नीड साइकोलॉजी, उसे सबसे पहले ह्यूमन नीड साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है कि मैं सुबह अर्ली क्यों उठता हूँ, मैं सुबह जिम क्यों जाता हूँ, मुझे पब में ड्रिंक करने का क्यों शौक है, मैं वो गेम क्यों खेल रहा हूँ, मेरा वो फ्रेंड है वो उसमें क्यों इंटरेस्टेड है, उसको वो इतने फैशनेबल कपड़े क्यों पहनता है, वो गुस्सा क्यों करता है, स्पेशली आपको भी पता चल जाएगा कि आपका जो बॉस है वो गुस्सा क्यों करता है, आपके फादर्स मदर गुस्सा क्यों करते हैं, आपको प्यार क्यों करते हैं, वो जो भी आपके माइंड में वो क्वेश्चंस है। कि हम कहते हैं कई हम किसी पर्सन से मिलने जाते हैं कि वो कई बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं, कई बहुत वियर्ड सा बिहेवियर करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। जो भी आपके माइंड में वो क्वेश्चन है वो सब आपको जब आप ह्यूमन नीड साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर जाएंगे वो सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे क्या होता है लाइफ में कई पर्सन होते हैं कि वो अपनी लाइफ किसी के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो कई किसी का मर्डर करते हैं, तो वो क्यों करते हैं। जैसे आप हमारे वो नीड जो हमारे जो फेमस लीडर्स हैं, हम उनको कह सकते हैं नेशनल मंडेला कह सकते हैं, महात्मा गांधी कह सकते हैं, भगत सिंह कह सकते हैं, कि उन्होंने क्या वो
मार्टिन लूथर किंग कह सकते हैं कि उनकी स्टोरी पढ़ो कि उन्होंने कैसे लोगों के इन्फ्लुएंस किया, उन्होंने कैसे उनकी लाइफ में डिसीज़न बनाने में उनकी हिम्मत की, उनको हिम्मत दी कि वो डिसीज़न बनाए और अपनी लाइफ को चेंज कर सके। वो क्या था, एक इन्फ्लुएंस ही था और कुछ भी नहीं था, कि उन्होंने वो इन्फ्लुएंस लोगों को किया तभी वो उनके इतने फॉलोअर्स हुए। कि द नो मैटर हाउ यू आर इन द वर्ल्ड, जहाँ पे भी आप कहीं रहते हैं, किसी कंट्री में रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डजंट मैटर आप कहाँ हैं, इंडिया में हैं, स्कॉटलैंड में हैं, अमेरिका में हैं और दुबई में, एनी कंट्री जहाँ में भी आप रहते हैं, अब किसी रिलीजन से आप बिलोंग करते, डजंट मैटर। तो क्या देयर इज़ अ वन थिंग कॉमन फोर्स दैट इज़ अ ड्राइविंग एंड शेपिंग ऑल योर इमोशंस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, there is a common force that is driving and shaping all your emotions and actions. It determines the quality of your life and ultimately your destiny. To wo kaun sa common force hai jo ye sab cheeze karta hai? There are six fundamental needs that every person has in common. वो जो सिक्स फंडामेंटल नीड्स हैं वो हर एक पर्सन में कॉमन है, पर डिफरेंट है कि एवरी ह्यूमन, एवरी इंडिविजुअल पर्सन उसको अचीव करने के एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट वे टू गेट। वो जो सेक्स नीड को जब हमने उसको फुलफिल करना है तो एवरी वे हैव अ डिफरेंट वे टू गेट, तो उसी में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सब डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी पर्सन फाइंड अ वे टू मीट दिस सिक्स नीड, वो नेगेटिव से करते हैं, वो पॉजिटिव से करते हैं, उनके जो एक्शन कईयों को नेगेटिव लगते हैं, कईयों को पॉजिटिव, पर बिहाइंड द रीज़न उनका यही होता है कि उन्होंने अपनी सिक्स ह्यूमन नीड्स को कैसे अचीव करना है, कैसे उनको मीट करना है। तो ऐसे कि हम उनको तभी जब इसको आपको जो पता चल जाएगा तो हम किसी को रॉन्ग और राइट नहीं कह सकते, कह सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो वो एक्शन ले रहे हैं उसका बिहाइंड रीज़न क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन क्या करता, सबसे पहले लाइफ में क्या होता है कि हमारी जो लाइफ में पेन है हमने उसको अवॉइड करना है और हमें लाइफ में प्लेजर चाहिए। सब जो भी हम कर रहे हैं हम पेन को अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं, हमें लाइफ में प्लेजर चाहिए। ओके, ऐसा कि आप लुकिंग फॉरवर्ड है कि वो कौन सी सिक्स नीड्स हैं जिसे हमें पता चल जाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट नीड है वो सर्टेंटी है। इस सर्टेंटी में क्या आता है, द नीड टू नो दैट यू अवॉइड पेन एंड गेन प्लेजर। तो इसमें क्या होता है कि आप इस नीड में आप अपनी पेन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप लाइफ में प्लेजर चाहते हैं। तो सर्टेंटी हमें क्या सिखाती, सर्टेंटी में हमें ये सीखना कि एवरी बॉडी wants stability। क्या होता है कि हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो हम जब इसीलिए हम रिलेशनशिप में कमिटेड होते हैं क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें घर चाहिए, तो इसलिए हम अपना घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए कि हाँ जी इस चीज़ ओके, मुझे इसकी वरी नहीं, अब मेरे पास है, इसमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कि तो जो सर्टेंटी अवेलेबिलिटी होती है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट उसमें क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, उसमें क्या सबसे चाहिए कि हमें खाना अच्छे से मिलना चाहिए, हमें फूड अच्छे से मिलना चाहिए। तो सर्टेन में जो गया कि फिर सबसे पहले क्या हो गया, हमारा घर होना चाहिए, हमें अच्छा फूड मिलना चाहिए, हमारे पास अच्छी लाइफ होनी चाहिए। तो ऐसे कि समटाइम ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में कई तरह से हम सर्टेनिटी को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम कंट्रोल कर रहे होते हैं कि अपने बच्चों को, जो अपने पार्टनर को, जो अपने एम्प्लॉयर को, हम कंट्रोल इसलिए करें क्योंकि हमें सर्टेनिटी चाहिए। हमें लगता है कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल मैंने बहुत सारे लीडर से बात की है, बिजनेस मैन से बात की, मैंने उन्हें यही बोला कि हमें स्टाफ पे गुस्सा होना पड़ता, नहीं तो वो काम नहीं करते, हमें उन पर गुस्सा होना पड़ता। उनको लगता है कि यदि हम उन पर गुस्सा करेंगे तो हम सर्टेनिटी होगी वो हमारे काम करेंगे, तो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए हम कई रिलेशनशिप में आप देखते हैं एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कितना कंट्रोल करता है, तो इसलिए वो कंट्रोल करता है क्योंकि उसको सर्टेनिटी चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए। तो कई होता है कि आइडेंटिटी, उनको एक डिफरेंट आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो फेथ, बिलीव, गाइड्स। तो ऐसे कि सर्टेनिटी में बहुत सिंपल बताती हूँ कि हमें जिस भी चीज़ में हम हैं हमें पेन नहीं होना चाहिए, हमें प्लेजर होना चाहिए, जो हमारी फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए हम घर बनाते हैं, हम रिलेशनशिप में कमिटेड होते हैं, हम जब जॉब फॉर एग्जाम्पल जब हम जॉब एक बार टेम्परेली जॉब पे जाते हैं तो हम एक सर्टेनली हम पता नहीं होता कि हम ये जॉब नेक्स्ट मंथ हमारी एक्सटेंड होगी नहीं होगी, उसमें क्या होता है एक पेन होती है। जब हमें वो जॉब हमें परमानेंट मिल जाती है तो एक रिलैक्सेशन मिल जाती है कि हाँ अब मैं परमानेंट हूँ वहाँ पे क्या आ गया,
सर्टेंटी आ गई। तो पहले ऐसे कि जैसे आप किराए के घर में रहते हैं तो कहते हैं जी किराए का घर है, जब आप अपना खुद का घर लेते हैं तो कितना रिलैक्स होता है, क्या आ गया वहाँ पे, हमारी कौन सी नीड फुलफिल हुई, सर्टेंटी हुई। तो ऐसा कि तो जे सभी जो सर्टेंटी चीज़ें वो सभी डिफरेंट डिफरेंट वे से आप अचीव कर सकते हैं, जे जस्ट ओनली सिंपल एग्जांपल। तो दूसरी हमारी नीड क्या होगी, अनसर्टेंटी, ब्राइटी, द नीड फॉर द नॉन, फॉर चेंज, फॉर न्यू थिंग्स। क्या होता है कि हम हॉलीडे क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में ब्राइट ही चाहिए। तो ऐसा कि जो पीपल फील नीड टू चेंज देयर स्टेट, वो अपने जो एक माइंड की स्टेट है उसको चेंज करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को चेंज करना चाहते हैं, तो अपने इमोशंस को चेंज करना चाहते हैं, जो दे सीक ब्राइट ही थॉट ऑफ नंबर मीन्स। तो ऐसा कि जहाँ पे क्या होता है कि आप, हम फॉर एग्जाम्पल हम होटल में खाना क्यों खाना चाहते हैं, गर्मी में वही खाना हो तो, क्योंकि हमें अनसर्टनी चाहिए, हमें ब्राइट ही चाहिए। तो क्या आप, आपको क्या लगता है कि जब आपको ब्राइट ही चाहिए डिफरेंट, तभी आप कहीं हॉलीडे जाते हैं, बुक पढ़ते हैं, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, क्लबिंग जाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं मैं मंडे टू फ्राइडे मैंने सेम रूटीन पर काम किया, मुझे सैटरडे संडे मुझे लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, मुझे अनसर्टनी चाहिए, मुझे ब्राइट ही चाहिए। ऐसे कि जब हम अनसर्टनी को अपनी लाइफ में लेके आए तो उससे क्या हो सकता है, हम अल्कोहल पीते हैं, कई लोग तो ड्रग लेते हैं, न्यू जॉब अप्लाई करते कहते हैं मैं जॉब करते करते मैं बोर हो गया, मुझे न्यू जॉब चाहिए, मैं न्यू लोकेशन पे जाते हैं, तो कई चीज़ें नई लर्न करते हैं, नई बुक्स पढ़ते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे कि कहाँ पे आप देखो कि जब आप बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं अनसर्टनटी अपनी लाइफ में ब्राइट ही लेके आने के लिए। जैसे मैं अपनी लाइफ में ब्राइट ही लेके आती हूँ, मुझे हॉलीडे जाना बहुत पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। फॉर एग्जांपल यदि मैं आई स्टडी फॉर 5-6 आवर देन आई गो फॉर वॉक, क्योंकि मुझे अपनी स्टेट चेंज करनी है। तो ऐसे कि बहुत बहुत सारा मीटिंग्स होगी, बहुत सारा काम कर लिया, तो मुझे लाइफ में अब ब्राइट ही चाहिए, तो ओके तो उसके लिए मैं करती हूँ, उसके लिए मैं जाती हूँ हॉलीडे जाती हूँ, शॉपिंग जाती हूँ, खाना अच्छे से बनाती हूँ, बाहर अपने फ्रेंड्स से टू गैदरिंग करने जाती हूँ। तो आप क्या करते हैं अनसर्टनटी के लिए, तो हमारी फर्स्ट नीड होगी सर्टनटी, तो दूसरी होगी अनसर्टनटी। सर्टनी मीनिंग सिक्योर कि हमारे पास, जैसे हमारा सर्टनी में एक बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल देना चाहिए, जैसे बिजनेस है, तो बिजनेस में हमें सर्टनी चाहिए कि हाँ इस लेवल की हमें इनकम एवरी मंथ आनी चाहिए, तो तभी हम इतने एक्शंस ले रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, टीम को बिल्ड करें, क्योंकि वो हमें सर्टन चाहिए कि हाँ इतनी कैम इनकम हम जनरेट कर रहे हैं जिससे हमारी फैमिली के सारे एक्सपेंसेस हुए, वो सर्टनटी हो गई। तो जे हो गया। तो हमारी जो थर्ड नीड है, आई लव दिस नीड, जे तो हर एक पर्सन की होती है, हर एक पर्सन इसके बिना, मोस्ट ऑफ टाइम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नीड इन अवर लाइफ। उसका थर्ड नीड है सिग्निफिकेंस, फीलिंग यूनिक, इंपॉर्टेंट, स्पेशल और नीड। जे नीड, यदि आप इस नीड को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए तो आप बहुत इजी से सभी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस नीड है, इसमें हम क्या करते हैं, एवरीबॉडी नीड्स फील स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट इन सम वे। पीपल विल सीक सिग्निफिकेंस थ्रू अबटेनिंग रिकग्नाइजेशन फ्रॉम अदर टू फ्रॉम देमसेल्फ। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि हम सब हम चाहते कि हमें कोई स्पेशल फील कराएं, वो कोई भी वे हो सकता है। तो इसमें व्हेन पीपल फील्स इनसिग्निफिकेंट, यदि हमें कोई अपना कोई हमें कोई स्पेशल फील नहीं कराता तो हमें क्या फीलिंग होती है, इनसिग्निफिकेंट की फीलिंग होती है। दे मे मेक देमसेल्फ क्या करता है कि फील हमें सिग्निफिकेंट की फीलिंग नहीं मिलती तो हमें गुस्सा आता है। तो ऐसा कि उससे क्या होता है कि हम गुस्सा करते हैं दूसरों को कि हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिली। फॉर एग्जांपल आपको बहुत ऐसी इसमें एग्जांपल दे दूँ कि जैसे आजकल रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम्स इतनी हो रही हैं, क्योंकि हम जो पार्टनर है वो कहते हैं हमें स्पेशल फील कराओ, स्पेशल उनका बर्थडे, यदि हम फॉर एग्जांपल उनका कोई बर्थडे आया हम उनके बर्थडे को भूल गए तो क्या हुआ, तो उनको क्या फीलिंग हुई कि इनसिग्निफिकेंट, कि इन्होंने मुझे इग्नोर किया, इसकी वजह से मुझे वो व्यापी चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको वो स्पेशल फीलिंग नहीं मिली, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली, क्योंकि उनकी नीड वो फुलफिल नहीं हुई। इसी तरह जो हमारे जो लीडर्स होते हैं जो बिजनेस में हम कर रहे हैं कि हम वो क्या करते हैं कि हम तभी तो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट करते हैं कि उनको एक इम्पॉर्टेंट चाहिए, एक उनको स्पेशल फील कराया जाए, तभी हम सब हम ही करते हैं। तो ऐसे कि यदि हमें इससे क्या हम किस किस तरह से सिग्निफिकेंस जो हमारी नीड है हम उसको कैसे मीट करते हैं, सबसे पहले कई तो लोग वायलेंस होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, अपनी नेगेटिव आइडेंटिटी बनाते हैं,
आपने देखा यदि आप अच्छी नेगेटिव अच्छी आइडेंटिटी बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा सक्सेस अचीव करने, यदि आपकी नेगेटिव आइडेंटिटी होती है तो थोड़ा इजी से आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है। तो इसलिए तो आपके जैसे कई लोग शो मटेरियल करते हैं कि डिज़ाइनर कपड़े पहने, कई लोग अपने जैसे कान पे डिफरेंट ईयरिंग्स पहने, वो क्या करते हैं, हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, लोग हमें सिग्निफिकेंस दें, इसलिए हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहना हम न्यू नॉलेज लेते हैं, न्यू एजुकेशन लेते हैं, तो ऐसा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम पार्टीज़ कर, क्योंकि आजकल पार्टी में सभी इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि बिग हॉल में की पार्टी की जाती है, तो क्योंकि लोग उनको रेकनाइज करें, लोग उनको सिग्निफिकेंस, जैसे कि इस तरह की शादी हमने पहले नहीं देखी, इस तरह की डेकोरेशन हमने क्यों देखी, वो हम क्यों करते हैं, सिर्फ इसको इस चीज़ को इम्पोर्टेंट देने के लिए, इसको जनीक बनाने के लिए कि लोग जहाँ पर आएँ कि उनको जनीक फील हो। इसलिए यही चीज़ें आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी में अचीव कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर सकते हैं कि मैं इस तरह की कौन सी अपनी अपनी लाइफ में अपनी पर्सनालिटी में वैल्यू ऐड करूं कि मुझे सिग्निफिकेंस मिले, मैं किसी से बात कर रही हूं, क्या मुझ में नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास हाई एजुकेशन होनी चाहिए, और मैं और ऐसा कि मैं कहीं गुस्सा तो करके अपने आप ने देखना कि मैं जो नीड है कैसे फुलफ़िल करता हूं, या तो मेरे पास नॉलेज है स्किल है उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करके मैं सिग्निफिकेंस लेता हूँ, या मैं गुस्सा होके वायलेंट होके मैं अपनी नीड को फुलफिल करता हूँ। यू हैव टू डिसाइड कि आप किस तरह से अपनी नीड को फिल करते हैं। जैसे कि मुझे सिग्निफिकेंस चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो मुझे चाहिए मुझे मेरे लिए था सबसे पहले कि मुझे हाई एजुकेशन लेनी है, तो वो मुझे एक फील जनीक बनाता था और मुझे इम्पोर्टेंट फील कराता था कि हाँ मेरे पास हाई एजुकेशन है, तो जब किसी से बात करते हैं तो इसलिए जब या किसी आम उनको बताते कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में स्टडी किया, मेरे पास जे एजुकेशन है, इसीलिए तो हम बनाते हैं क्योंकि हम जनीक फील करवाना चाहते हैं और हम खुद भी फील जनीक करते हैं, तो दूसरे पर अच्छा आपने वहाँ पर स्टडी किए हैं, तो ऐसे कि यू फील जनीक योर सेल्फ, तो क्या हो गया, हमारी नीड कौन सी फील हो रही है, सिग्निफिकेंस की हमें इम्पोर्टेंस मिल रही है और हमें जनीकनेस मिल रही है, इस नीड को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिजनेस में ऐड कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में। यू हैव टू डिसाइड कि मैंने अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में।